श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है, आर्थिक तंगी दूर करनी है तो मैं एक उपाय बताने वाला हूं 11 पीपल के पत्तों का जो हनुमान जी के सामने आपको करना है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी सिद्ध प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान को अमरता का वरदान दिया गया है। इसी वरदान के प्रभाव से इन्हें अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है या अष्ट चिरंजीवी में शामिल किया जाता है। कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपाय में से एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस उपाय को अगर आप विधिवत करें तो बहुत जल्दी सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय पीपल के पत्तों से किया जाता है। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त होते ही भक्तों के सभी सुख ऑटोमेटिक आ जाते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। पैसों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। कोई रोग हो तो वो भी नष्ट हो जाता है। इसके साथ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो तो पवन पुत्र की पूजा से वो भी दूर हो जाता है। हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पैसे की तंगी का सामना कर रहा है तो उसे प्रति मंगलवार और शनिवार को पीपल के 11 पत्तों का उपाय करना चाहिए। मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सप्ताह के प्रति मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ के जो है पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रहे कि पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इन 11 पत्तों पर स्वच्छ जल में कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर इसे श्री नाम का नाम लिखें। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब सभी पत्तों पर श्री नाम नाम लिख लें उसके बाद राम नाम लिखे हुए इन पत्तों को एक माला बनाएं। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बली को अर्पित करें। इस प्रकार यह उपाय करते रहे कुछ समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान रहे उपाय करने वाला भक्त किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य नहीं करे, अन्यथा इस उपाय का प्रभाव निष्फल हो जाएगा, उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। साथ ही अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अन्य उपाय भी है। किसी मंदिर में जाए और अपने साथ नारियल लेकर जाए। मंदिर में नारियल को अपने सिर पर 7 बार वार कर लें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ दें। इस उपाय से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें। जिस प्रकार विवाहित स्त्रियां अपने पति या स्वामी को लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी अपने स्वामी श्री राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। जो भी व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी हनुमान मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं। ऐसा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिर चौमुखा दीपक का उपाय है। हनुमान जी के सामने शनिवार की रात को चौमुखा दीपक लगाएं। एक बहुत ही छोटा लेकिन चमत्कारी उपाय है। ऐसा नियमित रूप करने से आपके घर परिवार की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय है किसी पीपल पेड़ को जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। उसके बाद पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद, मैंने आपको एक उपाय बताने के बजाय इतने सारे उपाय बता दिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।